सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। मंडियों में सोयाबीन की आवकें फिर से कम देखने को मिल रही हैं। विदेशों में सोयाबीन की कीमतों में उछाल को देखते हुए किसानों ने फिर से सोयाबीन को स्टॉक करना शुरू किया है। किसानों को मंडियों में उनके अनुसार सही दाम नहीं मिलने के चलते भी किसानों ने सोयाबीन को स्टॉक कर लिया है। किसान अब नीचे भाव पर सोयाबीन की बिकवाली नहीं कर रहे हैं। किसानों को पता है कि भारत में तेल तिलहन की मंदी तेजी विदेशों पर निर्भर करती है और भारत खाद्य तेलों में अभी आत्मनिर्भर नहीं बना है, जिससे विदेशों में सोयाबीन में तेजी का असर भारतीय बाजार पर देखने को मिलता है। सोयाबीन NCDEX पर 6300 के लेवल पर कारोबार करती दिखाई दे चुकी है। जानकारों के अनुसार साउथ अमेरिका में सूखे के चलते सोयाबीन के उत्पादन पर असर पड़ सकता है और उत्पादन में थोड़ी गिरावट रह सकती है, हालांकि उत्पादन पहले से ज्यादा ही रहेगा। अगर ब्राजील और अर्जेंटीना में मौसम के हालातों में कुछ सुधार होता है और बारिश होती है तो फिर सोयाबीन की फसल कुछ सुधर सकती है और अमेरिका के बाजार पर असर पड़ सकता है। वर्तमान में फिलहाल ऐसा कुछ होता नहीं दिखाई दिया है। वहीं भारत में प्लांट अपनी क्षमता से कम ही काम कर रहे हैं, लेकिन सोयाबीन का दाम वहाँ वायदा से ऊँचा ही है। प्लांटों में सोयाबीन का दाम 6700 से 6800 के करीब बताया जा रहा है। मार्च में सरसों की नई आवक मंडियों में आ जाएगी, जिससे सोयाबीन का दाम गिरता नजर आएगा, लेकिन जानकारों के अनुसार आगे भविष्य में सोयाबीन की कीमत वर्तमान की कीमत से अच्छी भी मिलती दिखाई देगी, जो किसानों को उनके हुए नुकसान की भरपाई करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।